एक मई से बदल जाएंगे एटीएम और जीएसटी सहित कई बड़े नियम, आपकी जेब पर भी पड़ेगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अप्रैल का महीना समाप्त होने में अब एक ही दिन शेष रहा है, इसके बाद मई का महीना शुरू हो जाएगा। हर महीने की शुरुआत से कुछ न कुछ नियमों में बदलाव होता है, इन बदलावों का असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर होता जा रहा है। ऐसे में आपको इन नियमों को जान लेना बेहद ही जरूरी है, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, आपको बता दें मई की शुरुआत से कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए नियम के मुताबिक अब 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिन के भीतर लेन देन की रसीद को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल RTP अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनवॉइस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए इसी कोई सीमा नहीं है। बाजार नियामक सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि निवेशक KYC वाले ईपाइलेंट की म्यूचुअल फंड में निवेश करे। ये 1 मई से लागू हो जाएगा। इसके बाद निवेशक KYC वाले ईपाइलेंट की निर्देश कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें हर महीने की शुरुआत में सरकार LPG CNG PNG के नए दाम जारी करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 91.50 रुपये की कटौती कर दी थी। इसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर घटकर के 2028 रुपये हो गया था। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला था। आपको बता दें CNG PNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो ये बदलाव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आप ATM से पैसे निकालते हैं और लेन देन असफल हो जाता है तो बैंक की ओर से 10 रुपये प्लस GST ली जाती है।